नमस्कार, एटीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद है रविंद्र सिंह जी, जो कि एटीएन न्यूज के सीनियर एंकर हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीएन न्यूज पर। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के, बता दें, 250 पार्षदों के लिए चुनाव होने हैं, जो कि 4 दिसंबर को है, और 7 दिसंबर को इसके जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने इस बार अपने बड़े लीडर्स को प्रचार के लिए उतारा, जैसे राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, और भी बड़े लीडर्स को उत्तराखंड और हरियाणा से, और साथ में आपको जेपी नड्डा ने भी इस बार प्रचार किया है। तो दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अरविंद जी, केजरीवाल ने भी प्रचार किया और उन्होंने जनता से 250 में से 230 सीटों पे जीत की है, जो मांग की है जनता से। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से इतने बड़े लीडर्स को नगर निगम चुनाव में उतारना कहां तक सही है? देखिए, सही गलत तो राजनीति में कुछ नहीं है। साम दाम दंडभेद सारी चीजें उसमें प्रयोग हो सकती हैं, और सत्ता पर काबिज रहने के लिए एक व्यक्ति सारे प्रयत्न, सारे प्रयास, सारे एफर्ट करता है। तो भारतीय जनता पार्टी कर रही, बाकी सरकारों ने भी किया, जो भी सत्ता में आया वो इस बात को करता ही है। थोड़ा कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन सवाल यह है कि इतना खास क्या है हमसे के इलेक्शन में कि इतने बड़े बड़े नेताओं को उतार देगा? देखिए, खास इसलिए है कि कभी जब परिसीमन हुआ तो 272 सीटें थी, अब 250 हो गई, यानी घट गई उनकी संख्या। दूसरी चीज, पहले 3 मेयर हुआ करते थे, अब 1 मेयर हुआ, यानी 1 मेयर की जो पावर है वो 1 मुख्यमंत्री के बराबर होगी, इसलिए चुनाव बहुत खास हो गया। तीसरी चीज ये है कि बीजेपी की रणनीति, बीजेपी कभी भी किसी चुनाव को छोटा नहीं मानती, वो छोटे से छोटे चुनाव को भी बड़ा साबित कर देती है। और जब बड़े लीडर्स होते हैं, कोई स्टार प्रचारक के तौर पर, जिनकी जिनका अपना वजूद होता है, अपना वोट बैंक होता है, जिनकी अपनी बात का कोई इंपॉर्टेंस होती है, महत्व होता है, तो ऐसे नेता अगर पहुंचते हैं, वो भी सीएम, चाहे हरियाणा के पहुंचे, चाहे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, चाहे योगी आदित्यनाथ पहुंचे, एक्स वाई जेड जो भी बड़े नेता, चाहे जेपी नड्डा साहब पहुंचे, चाहे मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, जो भी पहुंच रहे, ये क्या इनका अपना वजूद है। जब वो वहां पर जनता के सामने कोई बात रखेंगे तो जनता पर असर होगा। लेकिन सवाल यह कि आम आदमी पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। आम आदमी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा ला रही है, तो इतने बड़े बड़े नेता से एक सवाल यह भी उठता है कि ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी को घबराहट हो? क्योंकि 15 साल से जब लगातार एनसीडी में बने हुए हैं और कूड़े के पहाड़ को लेकर, उनका 2-3 दिन पहाड़ कूड़े के लग रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि कूड़े के ढेर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब उन पर आरोप लगने लगे तो उन्होंने ये कहा कि कूड़े के ढेर तो हर जगह होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक एग्जांपल दीजिए कूड़े के ढेर और कौन कौन से देश में, इतना बताइए। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, बट सवाल ये नहीं है कि 15 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग एमसीडी में बने हुए तो ऐसे ही तो नहीं बने होंगे, कोई तो काम उन्होंने किया ही होगा। तो आप काम को लेकर जाइए, और यही बात आम आदमी पार्टी कह रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास काम की कोई लिस्ट नहीं है कि उसने क्या क्या काम किए गिनाई है? भारतीय जनता पार्टी करें, जनता के बीच जाएंगे तो बताएंगे काम क्या है, लेकिन काम दिखना चाहिए, तभी वोट मिलते हैं। आम आदमी पार्टी के रूप में ये हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये साबित करना है कि वो एमसीडी में कैसे जाएंगे, क्योंकि अब उसके सामने बड़ी चुनौती है। उसके अपने नेता फंसे हुए हैं, सत्येंद्र जैन कानूनी मंत्री, वो तो जेल में है, उनका वीडियो भी अभी बाहर हुआ है, तो मनीष सिसोदिया के ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं, और एमसीडी को लेकर आपके पास क्या रोड मैप है, क्या करेंगे आप? अगर आम आदमी पार्टी ने काम किया है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी एक बड़ी चुनौती पेश करती नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से जवाब दे रही है वो दब नहीं रही, और अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत करी, बहुत कम समय में बड़ी पहचान बनाई, और 2 बार वो विधानसभा चुनाव जीत कर आए, तो उनको हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना कर देना, ये अभी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए चुनौती है आम आदमी पार्टी के पास, वो खुद को साबित कैसे पड़ेगा। हाँ, जनता को अगर बात समझ में आ गई और एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी होने वाली है। तो स्टार प्रचारक हैं, वो अपने जाएंगे, प्रचार करेंगे, प्रचार करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, असल में जनता का झुकाव किस तरफ होगा ये मैटर करता है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो अगर जनता का रुझान आपसे हट गया या थोड़ा, तो फिर वो एक तरफा वोट करती है, और दिल्ली की जनता के लिए विशेषकर वो बातों में नहीं आती,
वो रोड मैप देखती है, काम देखती है, उस आधार पर वोट देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इंटेलेक्चुअल हैं। रविंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ने 2015-2020 के विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल की है, आपको क्या लगता है कि एमसीडी चुनाव में क्या वो ये जीत हासिल कर पाएंगे जिस तरीके से उन्होंने 2015-20 में किया? देखिए, ये निगम का चुनाव, हाँ, कायदे में तो ये कहा जाता है कि जिसकी सरकार है वो छोटे चुनाव जीत लेती है, लेकिन दरअसल ये देखा जाता है कि प्रशासन किस तरफ है। अभी जिस तरह से उपराज्यपाल से लगातार लड़ाई झगड़ा, जितने भी उपराज्यपाल आए, चाहे बैजल आए हों, चाहे नजीब जंग हों, चाहे वी के सक्सेना जी हों, सबके साथ अरविंद केजरीवाल का वो है। प्रशासन उनको किस तरह से लेता, पुलिस उनके हाथ में है नहीं, दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो प्रशासनिक रूप से भी थोड़ा दबाव बनाया जाता जा सकता है जी। अब ये है कि जैसे गुजरात गए थे अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने अधिकारियों को लेकर एक बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी को आप वोट दीजिए, ये बातें जो है ज्यादा देर तक पछती नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप इमोशनली किसी ना किसी को आप इंडिकेट करने की कोशिश कर। यहाँ पर काम दिखेगा, अगर विधानसभा में उन्होंने काम किया है और इस आधार पर वोट दिए जाते तो अरविंद केजरीवाल अब तक एनसीटी में आगे होते, लेकिन यहाँ लड़ाई और भी कई तरह की है। आम आदमी पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कि आप जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी उपराज्यपाल के तरह से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ये उनका कहना है। ऐसे में उनकी मजबूती क्या रहेगी? आप एक कूड़े का ढेर दिखा दे रहे हैं, तो आपसे ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि यमुना की सफाई अभी तक क्यों नहीं हुई, तो आपको भी जवाब देने पड़ेंगे। आप सब किसी दूसरे पर आरोप लगा कि देखिए उसके दामन पे तो दाग हैं इतने और उन्होंने 15 साल में क्या किया, इस आधार पर वोट नहीं हासिल कर सकते। आपको भी ये बताना पड़ेगा कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किए और आपका रोड मैप क्या है एमसीडी के लिए, उसी आधार पर आपको वोट मिल पाएंगे। लेकिन ये हाँ, अब आम आदमी पार्टी या केजरीवाल पे लोग भरोसा करने लगे हैं, ये एक अच्छी चीज है। अब देखते हैं बाकी लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर होता है। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम चुनाव में कौन जीत हासिल करता है और कौन जनता के दिलों में जगह बना पाता है और सामने आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एपीएन न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, धन्यवाद।